हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको क्विकसेल ब्रीच के बारे में बताने वाला हूँ। ये रही आज की वीडियो। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्विकसेल ब्रीच इस ऐप का आप 3D मैक्स में कैसे यूज़ कर सकते हो। क्विकसेल ब्रीच बेसिकली क्या है कि वो एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको रेडीमेड 3D मॉडल और रेडीमेड मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी एकदम अच्छे क्वालिटी के। आपको 8K क्वालिटी तक का वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। आप कौन सा भी सीन क्रिएट कर रहे हो या आप उसमें मटेरियल आपको चाहिए, तो आप सिंपल उस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। जानेंगे इस वीडियो में कि वो कैसे डिटेल में वर्क करता है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्विकसेल ब्रिज का अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, और वो फ्री है और एकदम इजी है। उसके लिए आपको क्या करना है, वेब पे जाना है, यहाँ पे क्विकसेल ब्रिज करके टाइप करना है तो आपको ये वेबसाइट मिलती है। वेबसाइट पे वो लोगों ने फ्री में एप्लीकेशन दिया है, तो सिंपल उसको डाउनलोड करो। एप्लीकेशन आपका कुछ ऐसे डाउनलोड होता है, और फिर उसको आपको यहाँ से रन करके उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सो मैं अभी फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जल्दी से वो ओपन करता हूँ। यहाँ पे ब्रिज मेरा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। सबको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको अपना जो अकाउंट होगा ईमेल आईडी, उससे आपको लॉगिन करना है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको जो लाइब्रेरी चाहिए वो सब यहाँ पे है। यानी यहाँ पे आपको 3D मॉडल है, 3D प्लांट है, टेक्सचर्स है, डिकॉल्स है, और एक एक्स्ट्रा कुछ टेक्सचर्स है। यहाँ पे जाते हैं। 3D एसेट में भी फिर से उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो यहाँ पे बिल्डिंग, फूड, हिस्टोरिकल, काफ़ी सारे मॉडल्स है। देखोगे तो आप, ये पूरा मिक्सचर है, इसमें आपको हर एक तरीके के मॉडल्स मिलेंगे, और मॉडल्स काफ़ी अच्छे और एकदम हाई क्वालिटी आपको मॉडल्स मिलेंगे वो। इसमें आप जैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया, यहाँ पे भी आपको वही कैटेगरी मिलती है, बिल्डिंग के बीम वगैरह, स्टेयरकेस, वॉल, अब ये सब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ऊपर भी वो लोगों ने फिल्टर दिया है, यहाँ पे आपको सेम यही ऑप्शंस यहाँ पे है। यहाँ पे 3D एसेट, प्लांट, सरफेस, साइज दिया है, कौन सी साइज चाहिए, यहाँ पे न्यू, ओल्ड, डैमेज, और ये सब कैटेगरी है जो कि यहाँ पे आती है, और ये कलर्स हैं। आप इसमें से ऑब्जेक्ट यूज़ करके आप अपना सीन बना सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि मैंने डिकॉल के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने ब्रिज का यूज़ किया था, और इसमें से मैंने ऑब्जेक्ट्स वगैरह उठाए थे। आप वो वीडियो देख सकते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी होती है और रेंडर कैसे आपका निकल के आता है फिर। अगर इसमें से अगर आपको कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर लेना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जैसे मैंने ये डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक डाउनलोड का मार्क आता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे ऐसे प्लस मार्क आता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो मैक्स फाइल है आपने ओपन रखा है तो उसमें आपको चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करो। यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपके सीन में। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ऑब्जेक्ट और एकदम डिटेल में किया हुआ काम है ये। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आप अपने सीन में यूज़ करोगे तो आपकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी आएगी। अभी मैं ये भी अभी डाउनलोड हो गया, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये डाउनलोड एक्सपोर्ट हो गया, ये देखो, ये विथ टेक्सचर आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट।
काफ़ी सारा अच्छा है। सो आपको ये बनाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से उठा के आप अपने सीन को क्रिएट कर सकते हो। सो ऐसे सारे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है कि जो आप यहाँ से ले सकते हो और अपने सीन क्रिएट कर सकते हो जो चाहिए वो। इसके बाद आपको ये बिल्डिंग के, ये तो मैंने देखा है आपको, ये कुछ ऑप्शंस है, रेलिंग है, ये स्टेयरकेस, इसके बाद फूड के ऑब्जेक्ट्स है, हिस्टोरिकल है। तो आप चेक करते जाओगे वैसे आपको ये सब लाइब्रेरी पता चलेगी। सो आप चेक कर लेना, मैं सीधा नेक्स्ट प्लांट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे प्लांट के भी आपको काफ़ी सारे वैरायटीज मिलते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वो लोगों ने दिया हुआ है, और यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हो कि आपको जो प्लांट चाहिए वो आप डाउनलोड करके ले सकते हो। जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है, डाउनलोड किया है मैंने, मैं इसको करता हूँ। सो यहाँ पे विंडो ऐसी आपकी बफर होगी, और ये सारे प्लांट हमारे आ गए। इतने प्लांट आपको मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी एकदम अच्छे लेवल की क्वालिटी है। आपको इसकी क्वालिटी चेक करनी, तो मैंने जैसे बोला कि मैंने डिकॉल में इसका ब्रिज का यूज़ किया था, तो डिकॉल की वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने यही प्लांट यूज़ किए हुए हैं और कुछ एक दो ऑब्जेक्ट डिकॉल मटेरियल भी यूज़ किए थे, तो वो वीडियो देखना आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारे प्लांट आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सरफेस पे, सरफेस में भी आपको इतनी सारी कैटेगरीज है। सो इतने सारे आपको टेक्सचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे मार्बल के, स्टोन के, हर एक टाइप के टेक्सचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो इसमें मैंने जैसे कि ये एक टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये जो एरो दिख रहा है डाउन एरो, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। डाउनलोड होने के बाद आपको ऐसे कुछ आइकॉन मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि अगर मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्सचर मुझे वहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये प्लस पे मैं क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर आपका मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता है। सो आप देखो यहाँ पर चेंज हो गया, वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है वो मटेरियल। ऐसे आपको अच्छे क्वालिटी के आपको टेक्सचर्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे टेक्सचर्स के डिटेल बताता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे वो लोगों ने डिटेल बताया कि इसमें कौन से टेक्सचर्स हैं। और यहाँ पे ये रेजोल्यूशन बताया कि ये जो टेक्सचर्स है आपको 2K, 4K और 8K, आपको 8K तक के रेजोल्यूशन वाले टेक्सचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4K रखा है, तो मैं 4K के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। और सेटिंग में अगर आप जाओगे तो आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको 3D मैक्स ही बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, क्योंकि इसमें आपको बाकी सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, माया, ब्लेंडर वगैरह, बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 3D के लिए, तो मैं 3D मैक्स ही रखूँगा यहाँ पे। बाकी टेक्सचर्स के भी आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसे कुछ सेटिंग है। अभी के लिए मैंने सेटिंग में कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ किया नहीं है, तो मैंने बस यही 3D मैक्स ही रखा है। सो ऐसे आप ले सकते हो टेक्सचर। सो टेक्सचर में भी काफ़ी सारे टेक्सचर्स है यहाँ पे, ब्रिक्स के आपको मिलेंगे टेक्सचर,
जैसे मैंने ये ब्रिक्स का भी टेक्सचर यूज़ किया हुआ है, कंक्रीट के टेक्सचर से, फैब्रिक से, फैब्रिक्स में भी कैटेगरी है, लेदर है, कारपेट है, प्लेन, ट्रैप, मार्बल है, मार्बल के टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्सचर्स मिलेंगे। यहाँ पे डिकॉल, सो ये एक डिकॉल के टेक्सचर्स का भी काफ़ी सारा अच्छा यूज़ होता है, तो डिकॉल भी आप एक बार यूज़ कर लेना। डिकॉल की मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो आप चेक कर लेना डिकॉल का यूज़ कैसे करते हैं। तो डिकॉल में ये एक मेटल करके है, सो इसका भी आप रोड, अगर आप रोड का डिटेलिंग करें तो उसमें ये आपको यूज़ हो सकता है। यानी जैसे आपकी ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज के ऊपर वो ढक्कन अगर आपको क्रिएट करना है, तो डिकॉल का यूज़ करके आप ये टेक्सचर वहाँ पे डाल सकते हो। सो क्या होगा, एक आपका सीन का लुक काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। तो इसका यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखना डिकॉल की, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपको ये टेक्सचर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हो। ये देखो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे ऐसे, जो आप यूज़ कर सकते हो आपके प्लेन सरफेस के ऊपर। अगर आपको ये इमेज चाहिए सब, इसका यूज़ करना डिकॉल का। उसके बाद ये और कुछ टेक्सचर्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, प्लांट वगैरह, यहाँ पे कुछ मेटल्स के वगैरह आपको टेक्सचर्स मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के भी आपको कुछ टेक्सचर्स है, ब्रश है। सो इसके ऊपर और एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं क्या करूंगा, एक बेसिक सीन क्रिएट करके उसमें ये सारे ब्रीच का ऐप यूज़ करके उसमें से ऑब्जेक्ट उठा के, टेक्सचर्स उठा के मैं एक इंटीरियर सीन बनाऊंगा। तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है और इससे आपका व्यू कितना अच्छा दिख सकता है। सो जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, सो बने रहना चैनल पे। सो वीडियो करते यहीं पे एंड। आई होप गाइस आपको आज के वीडियो का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कि आपको इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी कि जिससे आप अपनी 3D Max की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो बने रहना, मिलते अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।